तो दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में ऑडियो वीडियो मिसमैच की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब कि आप जब भी वीडियो प्ले कर रहे हो तो सीन कुछ और चल रहा है और आवाज़ कुछ और आ रही है, या तो आवाज़ पीछे आती है या आगे आती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में आ रही है और हर जगह आ रही है, क्योंकि इसमें दो सिचुएशन होता है, या तो किसी सिंगल ऐप में आएगी, इंस्टाग्राम या फेसबुक, कहीं एक जगह पे आएगी, मतलब किसी एक ऐप में प्रॉब्लम होगा, या फिर हर जगह प्रॉब्लम होगा, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, आपके फ़ोन के गैलरी में भी। तो जब भी ये हर जगह वाली प्रॉब्लम अगर आती है ना, तो ये ऐसा देखा गया है कि आपके ब्लूटूथ ईयरफोन के वजह से ये प्रॉब्लम आती है। मतलब कि अगर आप ब्लूटूथ ईयरफोन अगर यूज़ कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम आती है। अगर आप ईयरफोन निकाल करके प्रॉब्लम को चेक करोगे तो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो ये आप चेक कर लो कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, आपके ब्लूटूथ लगाने पे ये प्रॉब्लम आ रही है कि बिना ब्लूटूथ के भी आ रही है। और अगर ब्लूटूथ लगाने पे सिर्फ ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसको ट्राई करके आप अपने प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। तो इसमें से सारे सॉल्यूशन आप ट्राई करना, क्योंकि किसी से भी आपकी प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। बहुत दिनों से फ़ोन हमारा ऑफ नहीं हुआ रहता है, तो एक बार रीस्टार्ट करने से प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। तो आपको रीस्टार्ट वाले बटन पर क्लिक करना है ताकि फ़ोन अपने से बंद हो और अपने से चालू हो जाए। तो रीस्टार्ट करके आप देख लो। सेकेंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि बहुत लोगों का ब्लूटूथ 24 आवर कनेक्ट रहता है, तो आप ब्लूटूथ यहाँ से ऑफ करके और फिर से कनेक्ट करो, देखो कि प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। तीसरी चीज़, आप फ़ोन को अपडेट कर लो। आप सेटिंग में जाओ और सेटिंग में आप सबसे नीचे आ जाओ, या तो अबाउट फ़ोन में होगा या फिर अलग से सॉफ्टवेयर अपडेट दिया होगा, तो इसको ओपन करो और यहाँ पर आपको अगर अपडेट दिखाई दे रहा है तो डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो। और इसके बाद आप एक और चीज़ ट्राई कर सकते हो कि प्ले स्टोर में जाओ, और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ प्रोफाइल पिक्चर पे आप क्लिक करो, यहाँ पे मैनेज एप्स एंड डिवाइस पे क्लिक करो और यहाँ पे सी डिटेल्स पे क्लिक करो, तो जितने भी अपडेट अवेलेबल हैं सबको यहाँ पे अपडेट ऑल पे क्लिक करके आप अपडेट कर लो। नेक्स्ट सोल्यूशन है कि आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आपको जहाँ पे सारे ऐप्स आपके हैं वहाँ पे जाना है। तो जैसे रियलमी के फ़ोन में यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट नाम का फोल्डर आता है, आपके में हो सकता है ऑल ऐप्स नाम का हो, तो ऐप मैनेजमेंट में आप ऐप लिस्ट में जाओगे और आपको मेनली सिस्टम ऐप्स में जाना है। तो अगर सिस्टम ऐप्स अलग से दिया हो तो आप देख लेना। रियलमी के फ़ोन में यहाँ पे जब ऐप लिस्ट में आप आओगे तो यहाँ पे डबल जो ये डॉट दिया हुआ है इस पर क्लिक करोगे तो सिस्टम शो सिस्टम दे रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिस्टम के ऐप्स भी आ जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे ब्लूटूथ सर्च करना है, और मेनली हम लोगों को ब्लूटूथ का जो कैसे और डाटा होता है उसको डिलीट करना है। तो लेकिन ब्लूटूथ के साथ साथ अगर आपके में ब्लूटूथ शेयर या ब्लूटूथ मिडी सर्विस का भी आ रहा है, तो उसके भी कैसे और डाटा को हम लोग डिलीट करेंगे। तो यहाँ पे तो एक ही आ रहा है, तो इसको ओपन करेंगे हम लोग और यहाँ पे स्टोरेज में जाएंगे, स्टोरेज यूजेज में, और क्लियर कैसे पे क्लिक करके कैसे को क्लियर कर देंगे, और क्लियर डाटा पे क्लिक करके डाटा को क्लियर करेंगे। ओके प्रेस करने के लिए बोल रहा है तो आप ओके प्रेस कर दो। ओके, इतना कुछ करने के बाद अब आपको क्या करना है कि आप आ जाओ ब्लूटूथ की सेटिंग में चले जाओ। यहाँ पे ज़्यादा देर तक होल्ड किए रहोगे ब्लूटूथ के आइकॉन पे तो ये ओपन हो जाएगा, और यहाँ से ब्लूटूथ आप ओपन कर लो, ऑन कर लो, और यहाँ पे पेयर डिवाइसेस में आपका ईयरफोन दिखा रहा होगा या स्पीकर जो भी आप यूज़ करते हो, तो इसको यहाँ से डिलीट करके और फिर से कनेक्ट करना है आपको। तो ये जो आई जैसा आइकॉन दिखा रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पे अनपेयर का ऑप्शन है, अनपेयर करके आपको फिर से इसको कनेक्ट करके पेयर कर लेना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक तरीके थे जिसका यूज़ करके आप अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हो। अब यहाँ से आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो कुछ एडवांस सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे, तो एडवांस मेथड्स यूज़ करेंगे। तो आपको डेवलपर ऑप्शन में चलना है, आप सेटिंग में आ जाओ और सबसे नीचे चले जाओ अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आपको देखो रियलमी के फ़ोन में वर्जन में जब आप जाओगे तो बिल्ड नंबर आता है, तो मेनली आपको बिल्ड नंबर में आना है। और तो आप अपने फ़ोन में देख लेना कि बिल्ड नंबर कहाँ पे आता है, और बिल्ड नंबर पे आपको 7 टाइम्स टैप करना है, 1 2 3 4 5 6 7, और अगर पासवर्ड मांगता है तो पासवर्ड इंटर कर देना है, नहीं मांगता है तो कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो यू आर नाउ इन डेवलपर मोड दे रहा है, मतलब कि डेवलपर ऑप्शन जो है वो इनेबल हो गया है। तो आप बैक आ जाओ, सेटिंग्स के मेन पेज में आ जाओ, और या तो आप यहाँ पे डायरेक्टली सर्च कर सकते हो डेवलपर ऑप्शन तो आ जाएगा, या फिर अगर रियलमी का फ़ोन है तो एडिशनल सेटिंग में आप जाओगे तो इसमें आपको यहाँ पे आप देख रहे हो डेवलपर ऑप्शन दिया हुआ है, इसको क्लिक करो और डेवलपर ऑप्शन में आपको आ जाना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक को चेंज करना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ कंबाइंड सेटिंग हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक सर्च करो, सर्च ऑप्शन यहाँ पे नहीं है इसलिए आपको स्क्रॉल करके ही खोजना होगा। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक है। तो सबसे पहले आप क्या करो कि आप ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक को अभी रहने दो, और ब्लूटूथ ऑडियो सैम्पल रेट जो दे रहा है इसको ओपन करो, और यहाँ पे अगर आपके में सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है तो 44.1 KHz या 48 KHz सेलेक्ट कर लो, नहीं दे रहा है कोई बात नहीं है। दूसरी चीज़ कि ब्लूटूथ ऑडियो बिट्स पर सैम्पल को ओपन करो, और यहाँ पे भी अगर आपको सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है तो 16 बिट्स पर सैम्पल कर लो और ओके कर दो।
और उसके बाद आपको क्या करना है कि ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक में आ जाना है। अगर वहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए नहीं दे रहा है तो आप डायरेक्टली ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक में आ सकते हो। और यहाँ पे एक एक करके आपको सारी चीज़ें ट्राई करनी है। यहाँ पे दो चीज़ें आप मत ट्राई करना, जिसमें HD ऑडियो लिखा हो वो मत ट्राई करना, और ये LDAC जो है उसको मत ट्राई करना। ये दोनों हाई लेटेंसी के लिए होते हैं जो इस प्रॉब्लम में काम नहीं करेंगे। उसके बाद से आप बैक आ जाओ। दूसरी चीज़ आपको यहीं पे देखनी है कि अगर ब्लूटूथ A2DP हार्डवेयर ऑफलोड का ऑप्शन दिया हुआ है तो उसको आप या तो डिसेबल हो तो इनेबल करके देख लो, या इनेबल हो तो डिसेबल करके देख लो। एक चीज़ और आप ध्यान देना कि डेवलपर ऑप्शंस में जो भी सेटिंग्स आप चेंज करना, और अगर उससे आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो फिर से पहले जैसा कर देना। तीसरी चीज़ की एब्सोल्यूट वॉल्यूम आपको खोजना है। यहाँ पे आपको इनेबल एब्सोल्यूट वॉल्यूम का ऑप्शन मिल जा रहा है, तो ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होता है, तो इसको आप डिसेबल करके ट्राई कर सकते हो कि आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। अगर नहीं होती है तो फिर से इनेबल कर देना। उसके बाद से आपको AVRCP ब्लूटूथ वर्जन को लोअर करना होगा। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ब्लूटूथ AVRCP ब्लूटूथ वर्जन, तो यहाँ पे इसको खोलो और आपको 1.6 से नीचे वाला कोई भी सिलेक्ट करना है। तो जैसे 1.4 ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो आप 1.5 सिलेक्ट करके चेक कर सकते हो। कई बार इससे इस तरह की प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। इसके बाद बैक आ जाओ। और नेक्स्ट चीज़ हम लोग करना है कि ये जो इसी के नीचे इनेबल गेबल डोर्स की दे रहा है, इसको आप इनेबल करके चेक कर सकते हो। अगर काम नहीं करता है तो उसको डिसेबल कर देना। इसके बाद नेक्स्ट सोल्यूशन है कि अगर आपके में किसी तरह का यहाँ पे ऑडियो इफेक्ट या ऑडियो इन्हेंसमेंट या ब्लूटूथ ऑडियो इफेक्ट या ब्लूटूथ ऑडियो इन्हेंसमेंट या HD ऑडियो जैसा कुछ दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि HD ऑडियो का ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन ये फेड है, तो अगर आपके में इनेबल हो तो उसको डिसेबल करके एक बार आप चेक कर सकते हो। या हो सकता है कि यही ऑप्शन ऑडियो इन्हेंसमेंट या इफेक्ट का आपके मेन सेटिंग में दिया हो, यहाँ पे सेटिंग के मेन पेज में, या फिर ब्लूटूथ की सेटिंग में दिया हो, या फिर इसमें जो ऑडियो सेटिंग होती है सेटिंग्स में वहाँ पे दिया हो, तो इन सारी जगहों पे एक बार आप चेक कर लेना। और अगर इनेबल हो तो आप डिसेबल करके उसको देख लेना कि आपकी प्रॉब्लम ठीक होती है कि नहीं। क्योंकि डेवलपर ऑप्शंस में हमेशा चेंज करने के बाद आपको उसको बंद कर देना चाहिए, तो आपको जब काम हो गया हो डेवलपर ऑप्शंस का तो आप इसको टर्न ऑफ कर दो। उसके बाद एक चीज़ और आप चेक कर लेना कि आपके सेटिंग्स में अगर गेम मोड या परफॉर्मेंस बूस्टर जैसा कुछ दिया हुआ हो, या आपके सेटिंग के मेन पेज में हो सकता है, या फिर ऑडियो सेटिंग में या ब्लूटूथ के सेटिंग में हो सकता है, तो ऐसा कुछ दिया हुआ अगर, तो एक बार इसको गेम मोड को या परफॉर्मेंस बूस्टर को इनेबल करके भी आप चेक कर सकते हो। और सबसे लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है तो आप या तो वायर्ड ईयरफोन यूज करो, या फिर अगर आपका फ़ोन बहुत पुराना है तो आप नया फ़ोन ले लो, और अगर फ्यूचर में कभी आप ब्लूटूथ ईयरफोन खरीदते हो तो आप अच्छे क्वालिटी का खरीदो, थोड़ा महंगा खरीदो, क्योंकि उसमें इस तरह की दिक्कतें कम होती हैं या नहीं होती हैं।